हेलो बच्चों, हेलो प्यारे बच्चों। बच्चों, हमने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन पढ़ लिया है और अब हम मोशन इन अ प्लेन या मोशन इन 2D पर आ रहे हैं। बेटा, जब हम स्ट्रेट लाइन की बातें करते थे तब हमें जो डायरेक्शन होती थी वो केवल प्लस या माइनस साइन से हम लेकर दिखा देते थे। दो ही पॉसिबल डायरेक्शन होती थी। अगर आप हॉरिजॉन्टल लाइन की बात करते थे तब या तो आप लेफ्ट में जाते थे या फिर राइट में जाते थे, ठीक है। लेकिन जब आप मोशन इन अ प्लेन में आओगे तब आपके पास दो नहीं इनफाइनाइट डायरेक्शंस हो जाएंगी, और इनफाइनाइट डायरेक्शंस को हैंडल करने के लिए जिस मैथमेटिकल टूल की हमें जरूरत पड़ती है उसका नाम है वेक्टर्स। यस बेटा, ये भी एक मैथमेटिकल टूल है जिसको आपको मैथमेटिक्स के अंदर क्लास 12th में समझाया जाता है। पूरा का पूरा चैप्टर आता है वेक्टर एंड 3D के नाम पर। लेकिन फिजिक्स में हमें जरूरत पड़ती है वेक्टर्स की, तो आज हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स को, क्योंकि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मोशन इन अ प्लेन। तो मोशन इन अ प्लेन में ये हमारा पहला लेक्चर है बेटा, और इसके अंदर हम आज A to Z सारी बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। इसमें हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन तक बात करनी है और डॉट एंड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम आगे चलकर बात करेंगे, ठीक है। जो हमारा पहला चैप्टर होगा मोशन इन अ प्लेन का, उसमें हमें मेजरली जिसकी जरूरत पड़ेगी वो होगा एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। तो इसलिए आज हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं, वेक्टर्स की बात को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं यहां पर कि वेक्टर्स में हमें क्या क्या पूछा जा सकता है, क्या क्या आ सकता है, क्या क्या हमें मालूम होना चाहिए ताकि हमारे को फिजिक्स में कोई दिक्कत परेशानी ना हो बेटा, ठीक है। बेटा, जितनी भी फिजिक्स में आप क्वांटिटीज पढ़ते हो उनको बोला जाता है फिजिकल क्वांटिटीज। क्या बोलते हैं बेटा उनको? हम बोलते हैं उनको फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि फोर्स, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मास, स्पीड या फिर डेंसिटी या फिर पावर, वर्क, टॉर्क, जितनी भी क्वांटिटीज आपने सुनी है फिजिक्स के अंदर वो सब कौन सी क्वांटिटीज है बेटा? फिजिकल क्वांटिटीज है। इन फिजिकल क्वांटिटीज को अगर हम ब्रेक करें तो हम तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। पहली जो कैटेगरी होती है बेटा उसको हम बोलते हैं स्केलर्स, जिनके बारे में आप पढ़ते हुए आ रहे हो, इनके पास केवल डायरेक्शंस होती है। दूसरी कैटेगरी होती है बेटा जिनको हम बोलते हैं वेक्टर्स, जिनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। और तीसरी क्वांटिटी होती है जो हमारे सिलेबस में नहीं होती, उसको बोलते हैं बेटा टेंसर्स। तो टेंसर के बारे में हम कुछ बात नहीं करेंगे। स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिनके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है या फिर जिनके पास डायरेक्शंस नहीं होती, दे डोंट हैव डायरेक्शंस। वेक्टर्स के पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी होता है, दे हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इनके पास दोनों चीजें होती हैं, मैग्नीट्यूड भी होता है बेटा, डायरेक्शन भी होता है। टेंसर के बारे में बात करके हम अपना समय व्यर्थ नहीं करेंगे आज, ठीक है, और बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में। वेक्टर्स के पास डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड तो होता ही है, साथ में दे ऑल्सो फॉलो द वेक्टर एलजेब्रा, दे फॉलो द वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर एलजेब्रा क्या चीज होती है? हाउ टू एड, हाउ टू सब्ट्रैक्ट, हाउ टू मल्टीप्लाई, इसको हम बोलते हैं वेक्टर एलजेब्रा। वेक्टर्स के लिए नॉर्मल एलजेब्रा से अलग एलजेब्रा होती है। इसमें आज हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बारे में सीखेंगे वेक्टर्स के लिए, ठीक है बेटा। तो हम आगे बात करते हैं वेक्टर्स के बारे में और डिटेल में चर्चा करते हैं, बेटा हम वेक्टर बेटा पढ़ ही क्यों रहे हैं? पहली बात तो ये उठती है, हम वेक्टर्स पढ़ ही क्यों रहे हैं? देखो बेटा, वेक्टर्स हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि वेक्टर एक ऐसा मैथमेटिकल टूल है जो 3D मोशन को 1D मोशन में तोड़कर हमें पढ़ने की ताकत देता है। वेक्टर क्या कर सकता है बेटा? वेक्टर कैन ब्रेक
3D मोशन इनटू 3 1D मोशंस। तो बेटा 1D तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, मोशन स्ट्रेट लाइन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और वो पढ़ना हमें आ गया है। अब 2D में क्या करें, प्लेन में क्या करें, 3D में क्या करें, तो वो करने के लिए हमें क्या चाहिए बेटा, वेक्टर चाहिए। वेक्टर क्या करेगा आपके लिए, वेक्टर उस 3D मोशन को 3 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में तोड़ देगा, या एक प्लेन के मोशन को 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्शन में तोड़ देगा। ये है वेक्टर की ताकत, ये है वेक्टर की ताकत बेटा। इस ताकत को सीखना है हमें, इस ताकत को सीखना है हमें। इस समझ में आ गया कि वेक्टर कर क्या रहा है, वेक्टर हमें क्या ताकत दे रहा है फिजिक्स के अंदर, तो हम फिजिक्स के अंदर वेक्टर का बखूबी इस्तेमाल कर ले जाएंगे। ठीक है, तो वेक्टर की ताकत क्या है, व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ वेक्टर, व्हाट इज द पावर ऑफ वेक्टर। तो पावर क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि वेक्टर 3D मोशन को 3 1D मोशन में तोड़ सकता है। कैसे तोड़ेगा उसकी बात करेंगे। बेटा 3 ऐसी डायरेक्शन चुननी होती हैं जो आपस में क्या होती हैं बेटा, इंडिपेंडेंट होती हैं। 3 डायरेक्शन जो आपस में क्या होती हैं बेटा, इंडिपेंडेंट होती हैं। और वो कौन सी डायरेक्शंस होती हैं, मैं एक 2D का एग्जांपल लेके समझाने की आपको कोशिश करता हूं। देखो बेटा, मान लेते हैं कि एक आदमी है जो यहां से चलकर यहां गया, जो यहां से चलकर यहां गया, ठीक है, और दूसरा आदमी है वो यहां से चलकर यहां गया, ठीक है। इसको हमने x कहा, इसको y कहा, इसको x कहा, इसको y कहा, ठीक है। अब ये आदमी जो यहां से चलकर यहां गया, ठीक है, इसका मतलब ये कुछ x में भी गया और ये कुछ y में भी गया। यहां पर अगर आप देखोगे तो इसका कुछ x कोऑर्डिनेट भी आएगा, इसका कुछ y कोऑर्डिनेट भी आएगा। जब ये पर्सन ऐसे जा रहा है तो हम कह सकते हैं इसका कुछ इंपैक्ट x में भी आ रहा है, कुछ इंपैक्ट y में भी आ रहा है। यह हम कह सकते हैं कि ये x में यहां से यहां तक पहुंचा, ये y में यहां से यहां तक पहुंचा। अगर मैं इसको x नॉट कोमा y नॉट कह दूं तो ये डिस्टेंस x नॉट होगा, ये डिस्टेंस y नॉट होगा। मतलब वो x में भी चला, मतलब वो y में भी चला, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहां पर आता हूं और मैं कहता हूं कि ये आदमी यहां से लेकर यहां तक आया है तो किस डायरेक्शन में चला है, ये चला है एक्स में। अगर मैं आपसे पूछूं ये वाई में कितना गया, तो आप कहेंगे सर जीरो गया। ये वाई में कितना गया, तो आप कहेंगे सर ये कितना गया है, जीरो गया है। एक्स में तो कुछ चला है लेकिन वाई में कुछ भी नहीं चला है। यहां पर आप आएंगे सूडो फोर्सेस की कोऑर्डिनेट इफेक्टिव ग्रेविटी कांसेप्ट से, बट पहले इफेक्टिव ग्रेविटी क्या है कुछ भी नहीं चला। इसका मतलब जब वो एक्स में जा रहा है तो वाई में उसका मोशन हो चुकी है, लिफ्ट के अंदर जा रहा है चेंज हो चुकी है उसका मोशन, लिफ्ट के अंदर ग्रेविटी मतलब वाई हो चुकी है बेटा, एक्स से इंडिपेंडेंट है, जो वाई ग्रेविटी है जी इंडिपेंडेंट है। ये होता है जब ये वाई में जाएगा तो एक्स में नहीं जाएगा, तो एक्स वाई से क्या है, इंडिपेंडेंट है। तो दो डायरेक्शन हमें मिली जो आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस हैं। दो डायरेक्शन हमें मिली जो आपस में क्या है, इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस हैं। तो हम कह सकते हैं कि दो दो इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होती हैं वो आपस में कैसी होती हैं, ट्रायंगल पर होती हैं, 90 डिग्री पर होती हैं। तो एक प्लेन में इस बोर्ड पे अगर आपने कोई भी एक लाइन खींच दी, इस बोर्ड पे कोई भी एक लाइन खींच दी, तो इस लाइन से, इस डायरेक्शन से इंडिपेंडेंट डायरेक्शन कौन सी होगी, इससे इंडिपेंडेंट डायरेक्शन कौन सी होगी, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन वाली इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होगी, इससे परपेंडिकुलर वाली इंडिपेंडेंट डायरेक्शन होगी, ठीक है। क्या आप इस प्लेन में कोई तीसरी लाइन ड्रॉ कर सकते हैं जो इसके और इसके परपेंडिकुलर हो, या इसके ही परपेंडिकुलर हो कोई तीसरी लाइन जो इसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है, मतलब डायरेक्शन उसकी इससे परपेंडिकुलर आनी चाहिए, ठीक है ना। तो वो यही बनेगी या इसके पैरेलल लाइन से बनेगी, मतलब यही डायरेक्शन बनेगी, इसके अलावा कोई और डायरेक्शन नहीं बनती। एक प्लेन में दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन आपको मिलेंगी, तीसरा उसके परपेंडिकुलर आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और अगर आप 3D में चले जाएं तो एक और डायरेक्शन मिल जाएगी जो दोनों के परपेंडिकुलर होगी, और वो होगी ये डायरेक्शन इस प्लेन से बाहर आती हुई या अंदर जाती हुई बोल सकते हो आप, ठीक है। तो एक 3 डायमेंशन स्पेस में
तीन डायरेक्शंस होंगी जो आपस में क्या होती हैं, एक दूसरे की क्या होती हैं, परपेंडिकुलर होती हैं। जो परपेंडिकुलर डायरेक्शंस होती हैं उनको हम बोलते हैं बेटा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डायरेक्शंस। क्या बोलते हैं? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डायरेक्शंस या फिर म्यूचुअली इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस ये होता है। मैं इनकी बातें क्यों कर रहा हूं बेटा, देखो हम अपने स्पेस को 3D स्पेस बोलते हैं, हम अपने स्पेस को 3D स्पेस बोलते हैं। अभी मैं आपको समझा रहा हूं कि वेक्टर की ताकत क्या है, वेक्टर क्यों पढ़ना है, वेक्टर क्या करता है। एक फील आना चाहिए फिजिक्स के अंदर कि वेक्टर का मतलब क्या है। केवल बस लिख दिया वेक्टर, याद कर लिया, उससे फायदा नहीं है। समझ में आना चाहिए वेक्टर का मतलब क्या है। हम कहते हैं हमारा स्पेस कैसा है बेटा, आवर स्पेस इज थ्री डायमेंशनल स्पेस। आवर स्पेस इज थ्री डायमेंशनल स्पेस। क्यों बोलते हैं हम इसको थ्री डायमेंशनल? बिकॉज ओनली थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव directions are possible. केवल तीन mutually perpendicular directions possible हैं। और जो independent directions होती हैं, अगर आपने किसी भी motion को उन तीन के along तोड़ दिया, कोई चौथी direction नहीं मिलेगी। और वो तीनों independent है तो तीनों के along अलग अलग पढ़ सकते हो, जैसे कि आपने यहां से एक पत्थर को फेंक दिया, पत्थर गया इस तरीके से, ये एक प्लेनर मोशन है, एक प्लेन में दिखाया जा रहा है, तो आप कह सकते हो कि जब ये पत्थर आगे जा रहा है तो इसका मोशन, इसका जो मोशन है बेटा वो कुछ एक्स में भी हो रहा है और इसका मोशन कुछ वाई में भी हो रहा है। ठीक है, ये देखो ये एक्स में भी बदल रहा है, ये एक्स में भी आगे जा रहा है, ये वाई में भी बदल रहा है, ऊपर जाकर नीचे आ रहा है, वाई भी चेंज हो रहा है, एक्स भी चेंज हो रहा है। वेक्टर आपको ताकत देगा कि आप एक्स वाले को अलग से पढ़ लो, आप वाई वाले को अलग से पढ़ लो। एक्स वाला पढ़ना आपको आता है, वाई वाला पढ़ना आपको आता है, दोनों 1D मोशन है, तो इस 2D मोशन को 2 1D मोशन में तोड़ के आपने पढ़ लिया, इस 2D मोशन को 2 1D मोशन में तोड़कर आपने पढ़ लिया। ये काम हम करेंगे मोशन इन अ प्लेन में, और ये करने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको चाहिए बेटा वेक्टर्स। आपको क्या चाहिए बेटा? आपको चाहिए होगा वेक्टर्स। ठीक है, तो अब देखो बेटा वेक्टर कैसे हमें यहां पर यूज करेंगे। अब हम वेक्टर के टेक्निकलिटीज में आते हैं। हमने समझ लिया वेक्टर क्या होता है और फिजिक्स में हमें वेक्टर क्यों चाहिए। अब थोड़ा सा टेक्निकलिटीज में उसके घुसते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि वेक्टर यहां पर क्या कैसे यूज होता है। ठीक है बेटा, आइए। तो सबसे पहले बात की जाए वेक्टर के सिंबल की, तो इसमें आपको लगाते हैं ऊपर एक एरो, ठीक है ना, इसमें ऊपर आप लगाते हैं एरो। ठीक है, तो जिसमें ऊपर ऐसे एरो लगा हो वो क्या होगा? वो वेक्टर का सिंबल होगा। अब कुछ जगह पर आपको मिलेगा कैप लगा हुआ, एक कैप, एरो नहीं मिलेगा, कैप मिलेगा। तो बेटा ये भी एक वेक्टर होता है, लेकिन एक स्पेशल वेक्टर होता है, इसको हम बोलते हैं बेटा यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं इसको बेटा? इसको बोलते हैं बेटा यूनिट वेक्टर। ठीक है ना, यूनिट वेक्टर बोलते हैं इसको। तो ये है वेक्टर, ये है यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड यूनिट के बराबर हो, मतलब 1 के बराबर हो। ठीक है, वेक्टर दैट हैव मैग्नीट्यूड इक्वल्स 1 यूनिट, एक यूनिट के बराबर उसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए, तो वो क्या बन जाएगा बेटा? यूनिट वेक्टर बन जाएगा। लेकिन डायरेक्शन रहेगी उसके पास भी,
हाउ टू रिप्रेजेंट अ वेक्टर, तो मैंने वो आपको बताया, ये इनके सिंबल होते हैं, ये इनके सिंबल होते हैं। अगर मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर की बात करनी हो आपको, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर की बात करनी है, तो बेटा मैग्नीट्यूड के लिए या तो आप सिंपली ए लिख दे, ऊपर वेक्टर साइन ड्रॉ ना करें तो ये मैग्नीट्यूड हो गया, या फिर आप अगर ऊपर एरो बनाते हैं तो इस तरीके से मोड बनाएंगे तो ये क्या हो गया बेटा, मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हो गया। तो ये सिंबल आ गया आपके पास, ये यूनिट वेक्टर आ गया। अब यूनिट वेक्टर कैसे निकालेंगे बेटा किसी वेक्टर का, तो हम कह सकते हैं देखो बेटा यूनिट वेक्टर क्या होता है, जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, वन हो। तो किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगर किसी के मैग्नीट्यूड को उसके ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दे तो वन आ जाएगा ना, पांच को पांच से डिवाइड करो एक आएगा, दस को दस से डिवाइड करो एक आएगा, पंद्रह को पंद्रह डिवाइड करो एक आएगा, ठीक है, आ रही बात समझ में। तो अगर मैंने ए वेक्टर को ए के ही मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया तो मैग्नीट्यूड तो कट के एक आ जाएगा, क्या बचेगा बेटा खाली आपके पास, डायरेक्शन बचेगी और मैग्नीट्यूड बचेगा वन। तो यूनिट वेक्टर को लिखने का तरीका होता है ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए, ए वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ ए, ये तरीका है आपके पास यूनिट वेक्टर को लिखने का बेटा, ठीक है, बढ़िया से आपने समझ लिया होगा। तो हम आगे बात करते हैं अब एक और स्पेशल वेक्टर की, जिसका नाम है पोजिशन वेक्टर, ठीक है बेटा, हम बात करते हैं पोजिशन वेक्टर की। ठीक है, ओके बेटा, तो पोजीशन वेक्टर क्या चीज होती है, पोजीशन वेक्टर किसी पार्टिकल का पोजीशन दिखाने के काम आता है, पोजीशन वेक्टर किसी पार्टिकल का पोजीशन दिखाने के काम आता है। तो व्हाट इज अ पोजीशन वेक्टर, तो देखो देखो ध्यान से, अगर मेरे पास ये x है, ये मेरे पास y है और मेरे पास पार्टिकल यहां है, इसका पोजीशन मैं कैसे बता सकता हूं, एक तरीका मेरे पास क्या है इसका पोजीशन बताने का, कि मैं इसका कोऑर्डिनेट बता दूं। सपोज मैंने कहा ये बैठा है x नॉट कॉमा वाई नॉट पे, तो ये इसका लोकेशन का एड्रेस हो गया, ये इसके लोकेशन का एड्रेस हो गया, ये इसका पोजीशन हो गया। तो इसका पोजीशन हम लोकेट कर सकते हैं कैसे, बाय गिविंग द कोऑर्डिनेट, बाय गिविंग द कोऑर्डिनेट, ठीक है। अगर मैंने ये कोऑर्डिनेट यहां पर दिया इसको, तो जो ये है ये मेरे पास x नॉट है और जो ये है ये मेरे पास y नॉट है, तो यहां से अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट पता है तो मैं यहां तक पहुंच सकता हूं, मुझे पता है मुझे यहां से x में x नॉट चलना है, फिर y में y नॉट चलना है, मैं यहां पहुंच जाऊंगा। तो ये एड्रेस है, ये पोजीशन है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन है कोऑर्डिनेट के अंदर। एक और तरीका है बताने का, वो बताने का तरीका क्या होगा बेटा, इंस्टेड ऑफ द कोऑर्डिनेट, अगर मैंने ये डिस्टेंस दे दिया आर और ये एंगल दे दिया थीटा, मैंने कहा इतना दूर है, इतने एंगल पर है, यहां बैठा हूं मैं, समझ गया मुझे इस एंगल पे इतना दूर जाना है, मैं इस पॉइंट पे पहुंच जाऊंगा, आर और थीटा भी अपने आप में एक कंप्लीट कंप्लीट इंफॉर्मेशन है। अब वेक्टर कैसे लिखते हैं, वेक्टर कैसे लिखते हैं, वेक्टर कैसे लिखें, पोजीशन वेक्टर कैसे लिखें, तो पोजीशन वेक्टर लिखने के लिए हमने कहा कि हम किसी भी वेक्टर को दो डायरेक्शन में तोड़कर लिखेंगे, तोड़कर लिखेंगे, दोनों आपस में क्या होंगे, इंडिपेंडेंट होंगे, जिस तरीके से ये कोऑर्डिनेट है उसी तरीके से लिखा जाएगा, लेकिन ये लिखने के लिए हमें समझाना पड़ेगा। हमने कहा कि देखो यहां तक पहुंचने के लिए आपको पोजीशन वेक्टर हम ऐसे आर कैप लिख, आर वेक्टर लिख देते हैं, मतलब ये मैग्नीट्यूड तो आर ही रहेगा, डायरेक्शन इसकी रहेगी, तो आर वेक्टर को मैंने पोजीशन वेक्टर लिख दिया, मान लिया ये ओ है ये ए है, तो मैं आर वेक्टर को ओ ए वेक्टर लिख रहा हूं, ओ से ए तक जाने वाला वेक्टर, ओ से ए तक जाने वाला वेक्टर कैसे लिखा जाएगा, तो इसको हम कह रहे हैं क्या कि एक्स डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में आपको कितना चलना है, एक्स नॉट चलना है, तो एक्स डायरेक्शन में आपको एक्स नॉट चलना है। अब एक्स डायरेक्शन के लिए मैंने दिखा दिया एक्स कैप, ठीक है, एक्स कैप का मतलब क्या हुआ, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो हमने कहा एक्स नॉट इंटू एक्स कैप, एक्स कैप का मैग्नीट्यूड कितना था, वन, वन को एक्स नॉट से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा, एक्स नॉट ही तो आएगा, तो x नॉट चला डायरेक्शन क्या है, x कैप वाली, x नॉट चला डायरेक्शन क्या है, x कैप वाली, ठीक है, y में कितना चलना है, y नॉट चलना है, तो क्या लिखूंगा बेटा, y नॉट
इंटू वाई कैप, वाई नॉट इंटू वाई कैप लिखूंगा, तो मैं कह रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ, एक्स डायरेक्शन में एक्स नॉट, वाई डायरेक्शन में वाई नॉट, जोड़ेंगे कहां पहुंच गए हम, आर वेक्टर हमें मिल गया, ओ से ए पर पहुंच गए हम। ये तरीका होता है लिखने का वेक्टर फॉर्म में, ठीक है। अब देखो हमने क्या किया, हमने कुछ प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर बनाए, हमने कुछ प्री डिफाइंड यूनिट वेक्टर बनाए, हमने कहा कि एक्स एक्सिस के अलोंग जो वेक्टर है उसको हम आई कैप बोलेंगे और वाई के अलोंग जो है उसको हम क्या बोल देंगे बेटा, जे कैप बोल देंगे। वाई के अलोंग क्या है उसको जे कैप बोल देंगे, ठीक। तो अब जो ये आर वेक्टर लिखा गया, ये लिखा गया एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप, ऐसे लिख दिया गया, ठीक है। अच्छा बताओ ये आर की वैल्यू कितनी होगी, पाइथागोरस लगा के बताओ आर की वैल्यू कितनी होगी। आर की वैल्यू पाइथागोरस के हिसाब से आप बोलोगे सर एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई नॉट का स्क्वायर होगी, यस और नो? यही तो इसका मैग्नीट्यूड है, यही तो इसका मैग्नीट्यूड है। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड कुछ और नहीं बल्कि आर ही तो है। और वो कितना आ रहा है यहां से देखने पर आप बता सकते हो कितना आ रहा है, ये हमारे पास आ रहा है अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट का स्क्वायर प्लस वाई नॉट का स्क्वायर। इस तरीके से आप देख सकते हो जब भी इस फॉर्मेट में लिखा जाएगा तो मैग्नीट्यूड क्या होगा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अगर साथ में के कैप, के कैप मतलब जेड एक्सिस के लिए, आई कैप किसके लिए एक्स के लिए, जे कैप किसके लिए वाई के लिए, जेड होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, के कैप लिखना पड़ेगा साथ में, आई कैप जे कैप के कैप तीन आ जाएंगे जेड के लिए के कैप। तो अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर लिखेगा ना यहां पर, तो यहां पर क्या जाएगा एक्स नॉट स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर जेड नॉट स्क्वायर, ठीक है ना। इस तरीके से आप आर की वैल्यू को लिख सकते हो। कोई आपसे पूछे सर इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बता दो जरा, आर कैप कितना होगा, इस डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बता दो आर कैप कितना होगा, तो आप कहेंगे आर वेक्टर डिवाइड बाय मॉड ऑफ आर वेक्टर, दैट मींस एक्स नॉट आई कैप प्लस वाई नॉट जे कैप डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ एक्स नॉट स्क्वायर प्लस वाई नॉट स्क्वायर, ये आएगा, ये आएगा बेटा x नॉट i कैप प्लस y नॉट j कैप डिवाइड बाय रूट ऑफ x नॉट स्क्वायर प्लस y नॉट स्क्वायर, ये आएगा बेटा हमारे पास, समझ गए बेटा। बढ़ते हैं आगे, हमने देखा कि पोजीशन वेक्टर लिखते कैसे हैं, हमने देखा पोजीशन वेक्टर लिखते कैसे हैं। ये जो पोजीशन वेक्टर हमने लिखा ये हमने लिखा ओरिजिन के रिस्पेक्ट में। अब हम बात करते हैं अगर किसी एक पॉइंट पर बैठकर किसी दूसरे पॉइंट को देख रहे हैं, किसी एक पॉइंट पर बैठकर किसी दूसरे पॉइंट को देख रहे हैं, तो उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, उस पॉइंट के रिस्पेक्ट में किसी दूसरे वाले का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ठीक है ना। और अगर सिंपल भाषा में हम कहें इसका लिखने का तरीका, तो मैं आपको एक सिंपल तरीका बता देता हूं उसका क्या तरीका होता है। देखो बेटा एक वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं, एक वेक्टर के पास दो चीजें होती हैं बेटा, एक होता है हेड और दूसरा होता है टेल। तो देखो मैं कह रहा हूं एक वेक्टर को दिखाने का एक तरीका और है, और वो तरीका है एरो से, वो तरीका है एरो से। उसका मैग्नीट्यूड जितना बड़ा होगा एरो भी उतना लंबा होगा, जितना बड़ा मैग्नीट्यूड होगा एरो भी उतना बड़ा होगा। डायरेक्शन आपको दिखाई जा रही है, डायरेक्शन होगी टेल से हेड की तरफ, तो डायरेक्शन है ये, डायरेक्शन है ये। अगर पोजीशन वेक्टर आपको लिखना है, अगर पोजीशन वेक्टर आपको लिखना है तो एक तरीका मैं आपको बता देता हूं। तरीका हमारे पास जो है वो बहुत ही सिंपल है, वो है हेड माइनस टेल, वो है हेड माइनस टेल, हेड के कोऑर्डिनेट माइनस टेल के कोऑर्डिनेट, हेड के कोऑर्डिनेट माइनस टेल के कोऑर्डिनेट, यू विल गेट द पोजीशन वेक्टर। क्या मतलब है कहने का, मतलब बेटा ये है कि अगर ये एक्स है ये वाई है, अगर ये एक्स है और ये वाई है, आपने लिए दो पॉइंट, एक पॉइंट लिया यहां पर एक पॉइंट लिया यहां पर, ये ए है ये बी है, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स ए वाई ए जेड ए, इसका कोऑर्डिनेट है एक्स बी वाई बी जेड बी, ठीक है ना। और आप जानना चाहते हैं कि बी कहां है, ए से देखने पर बी कहां है, यू वॉन्ट टू नो द पोजिशन ऑफ बी वेन सीन फ्रॉम ए, ए से बी कहां है, पोजिशन ऑफ बी क्या बोलेंगे इसको, इसको बोलेंगे पोजिशन, पोजिशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए,
पोजीशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, ए से देखने पर बी कहां है, ए से देखने पर बी कहां है, तो ए से देखने पर बी यहां है, तो ए पर खड़े होकर बी को देखें तो क्या बोलेंगे, ए पर कोई आदमी खड़ा हुआ कह रहा है कि बी कहां है, उसने बोला वहां है, तो एरो ऐसा बनाएगा ना, उसने बोला वहां है तो एरो तो ऐसा बनाएगा ना वो, तो ये है पोजीशन वेक्टर ऑफ बी व्हेन सीन फ्रॉम ए, ठीक है ना, ए से देखने पर बी की पोजीशन एरो बन गया, ऐसा कोई पूछे कितना होगा ये तो क्या बोलोगे, हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल, कितना इसका हेड, हेड इसका एक्स बी, हेड इसका एक्स बी, टेल इसका एक्स ए, एक्स में से एक्स माइनस करोगे और क्या लगाओगे, आई कैप लगाओगे क्योंकि वो एक्स में है, वाई में क्या बोलोगे बेटा, आप बोलोगे वाई बी माइनस वाई ए, जे कैप, जेड बी माइनस जेड ए, के कैप, ये हमारा क्या आ गया, आर बी ए वेक्टर आ गया, आर बी ए वेक्टर इज एक्स बी माइनस एक्स ए, आई कैप वाई बी माइनस वाई ए, जे कैप जेड बी माइनस जेड ए, के कैप, ये हमारा क्या आ गया, ये आर बी ए वेक्टर आ गया, आई बात समझ में आपको, ये आर बी ए वेक्टर आ गया, अब बताओ व्हाट इज द यूनिट वेक्टर इन दिस डायरेक्शन, या फिर सर ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा बचपन में दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला, ठीक है ना, अब देखो कैसे निकालेंगे यहां से, कैसे निकालेंगे यहां से देखो, ठीक है, अब देखो हम क्या बोलेंगे, आर बी ए का मैग्नीट्यूड इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होल अंडर रूट, आप बोलेंगे अंडर रूट एक्स बी माइनस एक्स ए स्क्वायर, वाई बी माइनस वाई ए स्क्वायर, जेड बी माइनस जेड ए स्क्वायर, ये हमारे पास मैग्नीट्यूड आ गया, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो यूनिट वेक्टर भी निकल जाएगा, पोजीशन वेक्टर ऐसे निकालते हैं बेटा, बट मैं क्यों सिखा रहा हूं आपको पोजीशन वेक्टर, आगे चलकर रिलेटिव में भी मदद करेगा आपको, आगे चलकर रिलेटिव में भी मदद करेगा आपको, रिलेटिव मोशन करके टॉपिक पढ़ेंगे उसमें मदद करेगा आपको, और ये सारा तरीका आपके सामने है, अभी देखो इसके ऊपर क्या हम करते हैं, बेटा मान लिया हमारे पास एक क्यूब है, एक शानदार बढ़िया क्यूब हमारे पास है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये जेड एक्सिस, ठीक है, ये हमारे पास एक्सिस, क्यूब की साइड लेंथ हमारे पास ए है, क्यूब की साइड लेंथ हमारे पास ए है, जो ये पीछे जा रही है ना लाइन, ये दिखा रहा हूं, ये एक्स है, ये वाई है, अब बढ़िया से आपको क्यूब दिख रहा होगा, ठीक है, अच्छा अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ भैया इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो आप बोलोगे जीरो कामा जीरो कामा जीरो, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो आप तुरंत बोलोगे सर इसके कोऑर्डिनेट होंगे ए कॉमा जीरो कॉमा जीरो, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो आप बोलोगे जीरो कॉमा ए कॉमा जीरो, क्योंकि वाई में गया तो वाई का कोऑर्डिनेट आएगा, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, तो जीरो कॉमा जीरो कॉमा ए, बोलोगे कि खाली जड में आया है, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, यहां पहुंचने के लिए आपको एक्स में ए चलना पड़ेगा और फिर जड़ में ए चलना पड़ेगा, तो ए जीरो ए आएगा, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, यहां पहुंचने के लिए आपको एक्स में ए जाना पड़ रहा, वाई में ए जाना पड़ रहा, जड़ में नहीं जाना पड़ रहा है, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, यहां पहुंचने के लिए आपको वाई में ए जाना पड़ रहा है, जड़ में ए जाना पड़ रहा है, एक्स में नहीं जाना पड़ रहा है, और इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, यहां पहुंचने के लिए आपको पहले एक्स में ए जाना पड़ा, वाई में ए जाना पड़ा, जड़ में ए आना पड़ा, तो ए कॉमा ए कॉमा ए होंगे, ठीक है, सबके कोऑर्डिनेट हमने लिख दिए, सबके कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए, क्यों लिखे अभी समझ में आएगा, क्यों लिखे अभी समझ में आएगा, एक नाम भी दे देते हैं इनको, नाम दे देते हैं, देखो इसको हमने इसको ओ बोल दिया, इसको ए बोल दिया, बी बोल दिया, सी बोल दिया, डी बोल दिया, ई बोल दिया, एफ बोल दिया, जी बोल दिया, कितने कॉर्नर है बेटा, आठ कॉर्नर है, याद रखना आगे तक, ठीक है, क्यूब में आठ कॉर्नर होते हैं, छह फेस होते हैं, बारह साइड्स होती हैं, आठ कॉर्नर होते हैं, छह फेस होते हैं, बारह साइड्स होती हैं, बारह साइड्स होती हैं, चार नीचे चार ऊपर चार खड़ी हुई हैं, बारह साइड्स होते हैं, छह फेस होते हैं, को खोल खेलते हो ना आप, सांप सीढ़ी खेलते हो क्या, उसमें गीटा आता है, ठीक है, उसके अंदर छह लिखे, क्यूब के ऊपर छह नंबर लिखे होते, छह फेस होते हैं, बारह साइड्स होती हैं, आठ कॉर्नर होते हैं बेटा,
ठीक है, चलिए मैंने आठों कॉर्नर से कोऑर्डिनेट आपके सामने लिख दिए हैं, नाम आपके सामने लिख दिए, निकालना क्या है बताओ बेटा, OA वेक्टर कितना होगा, बताओ बेटा CB वेक्टर कितना होगा, OA वेक्टर कितना होगा, CB वेक्टर कितना होगा। देखो तुरंत आप बोलो सर OA मतलब O से A तक जाता हुआ, O से A तक जाता हुआ, O से A तक जाता हुआ ये बनेगा हमारा, O से A तक जाता हुआ ये बनेगा हमारा हेड माइनस टेल, हेड माइनस टेल, हेड में कितना लिखा है A लिखा है, टेल में कितना लिखा है जीरो लिखा है, हेड में कितना लिखा है जीरो लिखा है, टेल में कितना लिखा है जीरो लिखा है, हेड में कितना लिखा है जीरो लिखा है, टेल में कितना लिखा है जीरो लिखा है, ठीक है। तो क्या आया, ये आया ए आई कैप। सी बी वेक्टर कितना होगा, सी से बी की तरफ वेक्टर जो जा रहा है ये वेक्टर कितना होगा, तो हेड माइनस टेल, हेड में कितना लिखा ए लिखा, टेल में कितना लिखा जीरो लिखा, हेड में कितना लिखा बेटा जीरो लिखा, टेल में कितना लिखा जीरो लिखा, हेड में कितना लिखा ए लिखा, टेल में कितना लिखा ए लिखा, ठीक है। तो ये भी a माइनस ए जीरो हो गया, ये भी कितना आया ए आई कैप, दोनों को देखो दोनों तो बराबर आ रहे हैं, ए आई कैप दोनों तो बराबर आ रहे हैं, ए आई कैप क्यों बराबर ना हो, दोनों का मैग्नीट्यूड a है, दोनों की डायरेक्शन तो सेम ही है, दोनों पैरेलल ही तो है, दोनों के डायरेक्शन तो आई कैप वाली ही है। यहां से मैं क्या समझाना चाहता हूं, दो बातें, पहली बात इक्वल वेक्टर्स, ऐसे वेक्टर जिनका मैग्नीट्यूड हो बराबर, डायरेक्शन हो सेम, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, दे आर इक्वल वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन इक्वल वेक्टर, सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन इक्वल वेक्टर, समझ गए बात आप लोग, क्लियर है ये, ठीक है ना। इक्वल वेक्टर मतलब सेम मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन, ओके। अच्छा अगर मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन सेम वेक्टर इक्वल कब बने वो, ये इक्वल इसलिए हुए बिकॉज मैंने इसको घुमाया नहीं है, सेम पैरेलल रहा, पैरेलल रहा, पैरेलल रहा और मैग्नीट्यूड चेंज नहीं करा। इसका मतलब क्या है, इसका छोटा सा मतलब ये है कि इफ अ वेक्टर, If a vector is moved parallel to itself without changing its direction or magnitude, then It remains equal, कोई वेक्टर आपके पास है उसको ना घुमा रहे, ना डायरेक्शन चेंज कर रहे, ना मैग्नीट्यूड चेंज कर रहे, बस पैरेलली लेके चल रहे हो, उसको उठाकर पैरेलली लेकर चल रहे हो तो चल सकते हो, वो बदलेगा नहीं, वो सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं, वो सेम रहेगा, सेम वेक्टर रहेगा, ठीक है ना, कोई डिफिकल्ट कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, समझ गए बेटा, आपको कोई परेशानी नहीं आएगी, आप कर सकते हो। अब वेक्टर अगर उसको अपने पैरेलल मूव कराया जाता है, इट रिमेंस सेम, इट रिमेंस इक्वल, ओके बेटा। समझ गए तो ठोको ताली, समझ गए तो बेटा ठोको ताली, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं आपको, कैसे कैसे इस्तेमाल करना पड़ेगा, अभी समझ में आएगा, मजा आएगा आपको, ठीक है, देखते जाओ। अच्छा एक छोटी सी चीज और बता देता हूं आपको, बताओ बताओ बेटा व्हाट इज बी एफ वेक्टर, व्हाट इज बी एफ वेक्टर। तो बी एफ मतलब बी से एफ तक जाता है, हेड माइनस टेल करेंगे तो ए माइनस ए जीरो आई कैप, ए माइनस जीरो ए जे कैप, जीरो माइनस ए के कैप, ये हमारे पास है बी एफ वेक्टर। कोई पूछ ले आपने सर इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, तो क्या बोलोगे, अंडर रूट ऑफ जीरो स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, माइनस ए का स्क्वायर भी तो ए स्क्वायर ही होगा ना, तो ये कितना आएगा रूट टू ए आएगा, बी एफ वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट टू ए। मैग्नीट्यूड निकाल डाला, मैग्नीट्यूड निकाल डाला किसका, फेस डायगोनल का, फेस डायगोनल का मैग्नीट्यूड कितना आया रूट टू ए आया, बॉर्डर डायगोनल का निकाल के देख लो रूट थ्री ए आएगा, बॉर्डर डायगोनल निकाल के देख लो रूट थ्री ए आएगा, किसी भी फेस डायगोनल निकाल के देख लो रूट टू ए ही आएगा आपके सामने। ये है वेक्टर की ताकत,
ये है वेक्टर की ताकत बेटा, आज हम सीख रहे हैं वेक्टर की ताकत को, ये दिखाया मैंने आपको वेक्टर की ताकत, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे, हमने कहा हमें आज सीखना है दो वेक्टर को जोड़ना, दो वेक्टर को घटाना, दो वेक्टर कैसे जोड़ेंगे, दो वेक्टर कैसे घटाएंगे, ये हमें सीखना है आज, ठीक है बेटा। तो दो वेक्टर को जोड़ना और घटाने का जो तरीका है उसको सीखने से पहले हमें जो सीखना पड़ेगा वो सीखना पड़ेगा बेटा एंगल बिटवीन वेक्टर। एंगल बिटवीन वेक्टर्स, दो वेक्टर के बीच में एंगल क्या होता है? अभी आप कहोगे सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, हमें तो पता ही है दो एंगल्स के बीच का, दो वेक्टर्स के बीच का एंगल इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर। लेकिन कहानी इतनी छोटी नहीं है, कहानी इतनी छोटी नहीं है, कहानी के एंड में कहानी का मजा आए तो ठोकना ताली, ठीक है ना। कहानी के एंड में कहानी का मजा आए तो बेटा ठोकना ताली, देखो कैसे आएगा, ठीक है। देखना यहां पर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे बेटा, क्वेश्चन के जरिए सीखेंगे, क्वेश्चन पूछने वाला हूं आपसे। मान लिया एक वेक्टर ये रहा, दूसरा वेक्टर ये रहा, इनके बीच का एंगल ये रहा, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। क्वेश्चन कह रहा व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स A and B. What is the angle between the vectors A and B? A and B के बीच में कितना एंगल है ये आपको बताना है। पॉज करो, कमेंट में लिख के जरूर बताना, ठीक है ना। मैं गारंटी देता हूं 70% बच्चा गलत लिखेगा, 70% बच्चा गलत लिखेगा। इतना सिंपल आंसर, 70% बच्चा गलत लिखेगा। अभी कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो समझ में आएगा, ठीक है ना। 70% बच्चा गलत लिखेगा, ठीक है, एक्सपीरियंस से बता रहा हूं बेटा। बहुत गलती करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन के अंदर, उन्हें नहीं पता व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, उन्हें नहीं पता व्हाट इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, और इसीलिए सारी गलती होती है, पूरी फिजिक्स में गलत करके रखते हैं। आज सिखा के जा रहा हूं बेटा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स क्या होता है, अच्छे से देखो। समझ में आए तो बेटा ठोक बता ली, ठीक है ना। पढ़ते हैं आगे, पॉज करके कमेंट में लिखना, और उसके बाद देखना, नो चीटिंग, चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। बहुत बच्चे चीटिंग करते हैं, सीधे लिखते बाद में, सर मेरा आंसर तो यही आ रहा था, ठीक है ना, मेरा आंसर तो यही आ रहा था, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चीटिंग नहीं करनी है, ठीक है। आंसर लिखो और फिर देखना कॉन्सेप्ट क्या है बेटा। देखो बेटा, आपने अगर आंसर लिख लिया है तो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं, द कॉन्सेप्ट क्या कॉन्सेप्ट है बेटा एंगल निकालने का। तो हम कहते हैं कि when two vectors are connected either tail to tail or head to head then the smaller angle between them is the angle between the vectors। मतलब क्या है इसका? इसका मतलब है बेटा, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूं, आप पहले अच्छे से इसको नोट कर लो, पॉज करो, बढ़िया से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। ये कह रहा है कि when टू वेक्टर्स आर कनेक्टेड, आइदर टेल टू टेल, दोनों की टेल जुड़ी हो या दोनों का हेड जुड़ा हो, दोनों की टेल जुड़ी हो या दोनों का हेड जुड़ा हो, तभी उनके बीच का एंगल निकालोगे आप। क्या यहां पर दोनों की टेल जुड़ी है? यहां पर तो एक का हेड है और दूसरे की टेल है, अभी तो एंगल निकाल ही नहीं पाओगे, अभी तो एंगल निकाल ही नहीं पाओगे। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको दोनों का हेड जोड़ना है या दोनों की टेल जोड़ना है? कोई भी जोड़ सकते हो, उसे फर्क नहीं पड़ेगा। दोनों का हेड जोड़ना है या दोनों की टेल जोड़नी है, और जब दोनों का हेड या टेल जुड़ी होंगी तब जो छोटा एंगल होगा वो होगा एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, ठीक है। देखो काफी सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर इसका आंसर है थीटा, कुछ बच्चे बोले सर इसका आंसर है 360 माइनस थीटा, कुछ बच्चे बोले सर इसका आंसर है 180 माइनस थीटा, ठीक है ना। ये आंसर दिए होंगे कमेंट से बहुत सारे बच्चों ने,
कुछ बच्चों ने सही भी दिए होंगे, कुछ ने सही भी दिए होंगे, ऐसा नहीं कि सारे बच्चे को नहीं पता होगा, कुछ बच्चों को पता भी होगा बात, ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसका सही आंसर क्या है। इनमें से कोई भी आंसर सही नहीं था। सही आंसर क्या है? सही आंसर निकालने के लिए दोनों का टेल, दोनों का हेड जुड़ना चाहिए। कैसे जोड़े? तो उसके बाद मैंने यहां पे बताई आपको, मैंने कहा एक वेक्टर को उसके पैरेलली मूव कर सकते हैं उसको चेंज किए बिना। ये सारी कहानी क्यों बताई थी? इस नोट के लिए बताई थी। ये नोट क्या है बेटा? अ वेक्टर कैन बी मूव्ड पैरेलल टू इटसेल्फ विदाउट चेंजिंग इट, विदाउट चेंजिंग इट, इट रिमेन्स इक्वल टू इटसेल्फ, ठीक है ना। तो अगर मैंने इस वेक्टर को यहां से उठाया और आगे इसको ले गया, कैसे ले गया? ऐसे ले गया, इस वेक्टर को उठाया और आगे ले गया, इस वेक्टर को उठाया और आगे ले गया, जब ये उठकर आगे आ गया, ठीक है, नाउ इनकी टेल क्या हो गई? जुड़ गई। ये अब इसको भूल जाओ, ये क्या है? ये ए आया, ये ए ही होगा क्योंकि सेम वेक्टर उठा के रखा है, इसी को उठा के रखा है, चेंज नहीं किया मैंने इसमें, दोनों की टेल जुड़ गई। अब एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, छोटा एंगल कौन सा? ये वाला छोटा एंगल, ये वाला छोटा एंगल होगा, ठीक है ना। अब जो ये एंगल है ये कितना है? ये एंगल कितना है बेटा? तो ये पूरा एंगल थीटा है, ये एंगल 180 है, तो ये एंगल होगा थीटा माइनस 180। ये हो बड़ा थीटा माइनस 180, ना 180 माइनस थीटा, ना 360 माइनस थीटा, ना थीटा। आंसर होगा बेटा थीटा माइनस 180। ये आंसर होता है बेटा, ठीक है ना, ये आंसर होता है। कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, पूरे कॉन्फिडेंस से गलत करके आओगे। कॉन्सेप्ट नहीं पता होगा, पूरे कॉन्फिडेंस से गलत करके आओगे, ठीक है ना। तो इसलिए कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो। अगला क्वेश्चन दे रहा हूं, अब कॉन्सेप्ट लगाना, अब सही आंसर आएगा, ठीक है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है बेटा, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये ए वेक्टर, ये बी वेक्टर, ये सी वेक्टर, ठीक है। बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन वन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, सेकंड बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, थर्ड सी वेक्टर एंड ए वेक्टर। ए और बी के बीच में कितना एंगल, बी और सी के बीच में कितना एंगल, सी और ए के बीच में कितना एंगल, ए बी के बीच में, बी एंड सी के बीच में, सी एंड ए के बीच में कितना कितना एंगल आने वाला है, ये हम जानना चाहते हैं। व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, बी एंड सी एंड सी एंड ए, ए एंड बी, बी एंड सी, सी एंड ए, इनके बीच में कितना कितना एंगल है, ये आपको बताना है, ये आपको बताना है बेटा। कैसे होगा ये, ठीक है, पॉज करो, आंसर लिखो, देखो क्या आंसर आपका आता है, मैच करना, आपको इसका सॉल्यूशन देता हूं, क्या आंसर आने वाला है। ध्यान से देखो, ध्यान से देखो बेटा, ए एंड बी का टेल जुड़ा हुआ है, ए एंड बी का टेल जुड़ा हुआ है, उनको आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं है, आंसर यही आएगा 60 डिग्री, आंसर यही आएगा बेटा, 60 डिग्री का आंसर आने वाला है। बी एंड सी को देखो बेटा, इन दोनों का हेड जुड़ा हुआ है, इन दोनों का हेड जुड़ा हुआ है, इनको आगे पीछे करने की आवश्यकता नहीं है, छोटा एंगल यही है, इसका आंसर भी आएगा बेटा 60 डिग्री। लेकिन सी और ए को देखो, दोनों का हेड जुड़ा ही नहीं है, दोनों का टेल जुड़ा ही नहीं है, हेड और टेल जुड़ा है, अभी तो आंसर निकाल ही नहीं सकते, हमें एक को आगे या पीछे लेके जाना पड़ेगा। तो अगर मैं ए को आगे बढ़ा दूं, अगर मैं ए को आगे बढ़ा दूं, तो अब जो छोटा एंगल है बेटा वो ये है, इस सी और इस ए के बीच में जब इनकी टेल जुड़ी है, छोटा एंगल ये है, ठीक है, ये एंगल 60 है तो ये एंगल 120 होगा, ये एंगल 60 है तो ये एंगल 120 होगा, तो इसका आंसर कितना बेटा, इसका आंसर 120, इसका आंसर 120 डिग्री होगा। समझ में आए तो बेटा ठोको ताली, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट बताया मैंने आपको बेटा, एंगल देखते कैसे हैं, जब एंगल देखना आएगा तभी जाकर आप ऐड या सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, जब एंगल देखना आएगा तभी जाकर ऐड सब्ट्रैक्ट कर पाओगे, वरना गलतियां करते रहोगे, गलतियां करते रहोगे, ठीक है। तो हम आगे बढ़ते हैं बेटा और देखते हैं कैसे हम करते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले बात करेंगे बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। सबसे पहले बेटा बात करेंगे बेटा एडिशन ऑफ वेक्टर्स की। दो तरीके हमारे पास हैं एडिशन के, है तो तीन तरीके हमारे पास एडिशन के, ठीक है, और मैं इनफैक्ट तीसरा तरीका ज्यादा इस्तेमाल करूंगा आगे चलने वाले समय में, उसको रोक के रखा हूं, आगे चल के बताऊंगा, आज के लेक्चर में बताऊंगा, चिंता मत करना बेटा,
ठीक है, उसका इस्तेमाल में ज्यादा करूंगा, लेकिन जो अभी कॉमन तरीके हैं जिनके बारे में आपसे एग्जाम में भी पूछा जाएगा स्कूल के, ठीक है, अगर वो वेक्टर्स को पूछेंगे आपसे, ठीक है, एनसीईआरटी ने भी दे रखा है, उनके बारे में हम पहले बात करते हैं, ठीक है। और जो हम हमारा तीसरा मेथड रहेगा, ठीक है, उसका उसके बारे में बताऊंगा, वो भी कॉमन मेथड, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें जो हम कर रहे हैं उस सबका इस्तेमाल भी नहीं करना पड़ा, सिंपल वाला थोड़ा। खैर, अभी ज्यादा नहीं बोलते हैं उसके बारे में, अभी बात करते हैं उन दो तरीकों की, और वो तरीके क्या है। पहला तरीका है आपके पास ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्रायंगल लॉ। दूसरा होता है आपके पास बेटा क्या, पैरेललोग्राम लॉ। पैरेललोग्राम लॉ, तो पहला तरीका ट्रायंगल लॉ, दूसरा तरीका पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ पैरेललोग्राम लॉ। ठीक बेटा, ट्रायंगल लॉ एंड पैरेललोग्राम लॉ, करना क्या है, इसमें ट्रायंगल बनाना है, उसमें पैरेललोग्राम बनाना है, इसमें ट्रायंगल बनाना है, उसमें पैरेललोग्राम बनाना है। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखो बेटा, मान लिया हमारे पास दो वेक्टर्स है जिनको हम जोड़ना चाहते हैं। पहले मैं दो दो आपको वेक्टर्स दिखा देता हूं। हमने कहा कि एक वेक्टर हमारे पास ये प्लस, दूसरा वेक्टर हमारे पास ये, लेट अस से ये एंगल 60 डिग्री का है, ये एंगल 60 डिग्री का है, इन दोनों को हमें जोड़ना है। या एक काम करें, इस वेक्टर का कलर दूसरा ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो, ये ए कह देते हैं, ये बी कह देते हैं, इनको हमें जोड़ना है। एक बार ट्रायंगल लॉ से जोड़ेंगे, एक बार पैरेललोग्राम लॉ से जोड़ेंगे। ट्रायंगल लॉ से जोड़ने का स्टेप क्या होता है, तो स्टेप्स क्या होते हैं, इसके स्टेप्स क्या होते हैं, स्टेप नंबर वन की अगर बात करें तो स्टेप नंबर वन कहता है ज्वाइन देम, ज्वाइन देम इन ऑर्डर, ज्वाइन देम इन ऑर्डर। इन ऑर्डर का मतलब क्या होता है, जहां पे पहला खत्म हुआ वहां से दूसरा शुरू होगा, जहां पे पहला खत्म हुआ वहां से दूसरा शुरू होगा। कैसे होगा, देखो, जहां पे पहला खत्म हुआ, जहां पे पहला खत्म हुआ, यहां पे पहला खत्म हुआ ना, एक खत्म हुआ यहां पर, ठीक है, वहां से दूसरा शुरू होगा, यहां से दूसरा शुरू करना है, ये बी है, अच्छा ये एंगल 60 है, तो मुझे बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी, टेल मी व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। मैंने 60 ले लिया, एक काम करते थीटा ले लेते हैं, काम करते थोड़ा सा और जर्नल वैल्यू ले लेते हैं थीटा, ठीक है, ए एंड बी के बीच में कितना एंगल है, कमेंट में लिख के बताओ ए एंड बी के बीच में कितना एंगल है। बेटा बताओ ए एंड बी के बीच में कितना एंगल है, अभी भी कॉन्सेप्ट बता दिया, आई एम श्योर 40% बच्चा अभी भी गलती कर देगा, 40% बच्चा अभी भी गलती कर देगा, व्हाट इज द एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो काफी सारे बच्चे बोल रहे होंगे सर एंगल इज 180 माइनस थीटा, एंगल इज 180 माइनस थीटा, नहीं बच्चा एंगल थीटा ही है, एंगल थीटा ही है, 180 माइनस थीटा नहीं है, क्योंकि अभी तो हेड और टेल जुड़ी है, दोनों की टेल जोड़ने के लिए ए को आगे लेकर जाओगे, जब आप ए को आगे लेकर जाओगे तो छोटा एंगल थीटा ही आएगा ना, तो आप ए को आगे लेकर जाओगे छोटा एंगल कितना आएगा, थीटा ही तो आएगा ना आपके सामने, ठीक है, तो एंगल बिटवीन द वेक्टर्स इज थीटा, ठीक है ना, ओके। पहला स्टेप पूरा हो गया, सेकंड स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है, क्लोज द ट्रायंगल बाय थर्ड साइड by third side in reverse order, in reverse order, ठीक है। तो अब आपको तीसरी साइड जो बनानी है इस ट्रायंगल को पूरा करने के लिए, तीसरी साइड बनानी है रिवर्स ऑर्डर में, मतलब अभी ऑर्डर क्या चल रहा था, यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, तो ऑर्डर के हिसाब से आपको यहां से यहां आना चाहिए था, ऐसे ऐसे गए तो ऐसे आना चाहिए था, ऐसे ऐसे गए तो ऐसे आना चाहिए था, लेकिन आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो हमें उल्टा जाना है, रिवर्स ऑर्डर में जाना है और ट्रायंगल पूरा करना है। ये आपका स्टेप नंबर टू है। जो थर्ड साइड होगी वो ही दोनों का क्या होगा, एडिशन होगा, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट, इसको बोलते हैं रिजल्टेंट, आर वेक्टर बोलते हैं इसको, रिजल्टेंट बोलते हैं इसको। तो रिजल्टेंट आर वेक्टर क्या लिखा जाएगा बेटा,
ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर लिखा जाएगा। अभी इसके बारे में और डिटेल में चर्चा करता हूं, पहले पैरेललोग्राम बनाना सीख लेते हैं, पहले पैरेललोग्राम बनाना सीख लेते हैं। तो पैरेललोग्राम बनाने के लिए क्या करना होगा, आपको दोनों वेक्टर को टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन करना होगा। यहां पर तो इन ऑर्डर किया टेल और हेड ज्वाइन करे, ट्रायंगल के लिए टेल और हेड ज्वाइन करते हैं, पैरेललोग्राम के लिए क्या करते हैं ज्वाइन द वेक्टर्स टेल टू टेल और हेड टू हेड। ठीक, तो जब आप इनको टेल टू टेल या हेड टू हेड ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या दिखेगा बेटा, ये ए दिखेगा और ये बी दिखेगा और ये एंगल थीटा दिखेगा। अब आपको एंगल थीटा दिख रहा होगा, ऐसे बनाने पर एंगल थीटा दिख रहा होगा। अब आपका दोनों टेल टू टेल ज्वाइन है, तो मैंने पहले कहता कि एंगल थीटा है यहां पर, ठीक है ना, ऐसे में आपको दिखेगा। ठीक है, मैंने टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया, आप हेड टू हेड भी कर सकते हो, फर्क नहीं पड़ता उससे। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब क्या करना होगा आपको, आप सेकेंड स्टेप क्या करना है, कंप्लीट द पैरेललोग्राम, कंप्लीट द पैरेललोग्राम। आप पैरेललोग्राम पूरा करें तो आप एक पैरेलल साइड ऐसे ड्रॉ करेंगे, एक पैरेलल साइड ऐसे ड्रॉ करेंगे, आपका पैरेललोग्राम पूरा हो जाएगा। ठीक है, थर्ड डायगोनल इज द रिजल्टेंट, डायगोनल इज द रिजल्टेंट, इसी वाले पॉइंट से जो आपने टेल टू टेल ज्वाइन किया था, जो डायगोनल निकलेगा ना यही आपका आर होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो जो ये ट्रायंगल बना और जो ये ट्रायंगल बना वो आइडेंटिकल ही तो है, जो ये ट्रायंगल बना और जो ये ट्रायंगल बना वो आइडेंटिकल ही तो है, ये ए है ये बी है, इसमें दो ट्रायंगल बन गए, इसमें एक ट्रायंगल बन गया, इतना फर्क है, इसमें दो बन गए, इसमें एक बन गया, इतना फर्क है। बट आर जो था, जो यहां पर आर था, वही आर यहां पर है, आर बराबर आएगा। कहने का मतलब क्या है कि चाहे ट्रायंगल लॉ यूज करो, चाहे पैरेललोग्राम लॉ यूज करो, चाहे ट्रायंगल बना लो, चाहे पैरेललोग्राम बना लो, आर तो उतना ही आना है, आर तो उतना ही आना है, ठीक है ना। तो ट्रायंगल कैसे बनाते हैं, पैरेललोग्राम कैसे बनाते हैं, हम समझ गए। अब आर की वैल्यू क्या होगी हमें यह देखना है, इसको बढ़िया बढ़िया से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी पे लिख लो। ठीक है, अब बढ़ रहे हैं हम आगे। तो हमने कहा कि हमारे पास देखो ये एक ए है, हमारे पास एक बी है और ये हमारे पास एक आर है, और ए एंड बी के बीच का एंगल थीटा है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है, ए और बी के बीच का एंगल थीटा है बेटा। ठीक है ना, ऐसे दिखाना पड़ेगा। ओके, हम जानना चाहते, देखो हमने लिख तो दिया वेक्टर फॉर्म में, आर वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है ना, देखो बच्चा थोड़ी सी बात समझो, आप थोड़ी सी यहां पे आप बात को समझो। हम कह रहे हैं कि जो वेक्टर एलजेब्रा है वो नॉर्मल एलजेब्रा से अलग है। क्या मतलब है इसका, क्या मतलब है इसका, इतना पेन क्यों ले रहे हैं, क्यों इतने डायग्राम बना रहे हैं, ठीक है ना, इसका मतलब क्या है। देखो बच्चा, तीन और चार को जोड़ने पर कितना आता है, तीन और चार को जोड़ने पर कितना आता है, तीन और चार को जोड़ने पर आप निकल से सारे बच्चे कहेंगे सात आता है, तीन और चार को जोड़ने पर सात आता है, तीन और चार को जोड़ने पर सात, सब बच्चे बोलेंगे तीन और चार का जोड़ा कितना आया बेटा, सात आया। ठीक है, लेकिन लेकिन वेक्टर की ऐसी माया है, वेक्टर की ऐसी माया है, ठीक है, कि वेक्टरली तीन और चार को जोड़ेंगे तो क्या होगा, वेक्टरली तीन और चार को जोड़ेंगे तो क्या होगा, तीन और चार को वेक्टरली जोड़ने पर एक से लेकर सात तक कुछ भी आ सकता है, एक से लेकर सात तक कुछ भी आ सकता है। वेक्टर की दुनिया, वेक्टर की माया ऐसी है कि एक से लेकर सात तक कुछ भी आ सकता है बेटा। ठीक है बेटा, एक से लेकर सात तक कुछ भी आ सकता है, कैसे आएगा देखो बेटा, अगर मेरे पास चार ऐसे हैं, तीन ऐसे हैं तो जोड़ोगे तो सात आएगा, अगर मेरे पास चार ऐसे हैं और तीन उल्टा ऐसे आ गया, मतलब पहले जो था पर्सन वो यहां से यहां तक चार ऐसे गया, फिर तीन घूम के वापस आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट उसका एक कहलाएगा, माइनस हो जाएगा। वहीं पर अगर पहले चार ऐसे गया, तीन ऐसे गया, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो चार और तीन पांच आपको मिल जाएगा। तो वही तीन और चार चल रहा है हर बारी, कभी सात आ रहा, कभी एक आ रहा, कभी पांच आ रहा,
और ऐसे ही अगर आप एंगल चेंज करेंगे ना तो वो 5 से कभी 6 हो जाएगा, तो 5 से कभी 4 हो जाएगा। अगर एंगल कुछ इस तरफ करेंगे तो वो 6 की तरफ जाएगा, 7 की तरफ जाएगा। एंगल कुछ ऐसे करेंगे तो वो 4, 3, 2, 1 होता हुआ ऐसे आ जाएगा। तो वेक्टर की माया क्या है? वेक्टर की माया यह है कि 3 और 4 को जोड़ने पर 1 से 7 के बीच में कुछ भी आ सकता है। इसलिए वेक्टर इतना पावरफुल है, इसलिए वेक्टर इतना अलग है, इसलिए वेक्टर की दुनिया एक मायावी दुनिया है। अमन सर मारेंगे मुझे। खैर आते वापस वापिस आते हम कह रहे हैं R वेक्टर इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर, R वेक्टर इज A वेक्टर प्लस B वेक्टर, ठीक है। खैर R की वैल्यू कितनी होगी, R की वैल्यू कितनी होगी हम जानना चाह रहे हैं। देखो बच्चा, हमने यहां पर एक ट्रायंगल बनाया और हमने कहा कि देखो ये साइड B के बराबर है, ये साइड B के बराबर है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब ये जो ट्रायंगल बन रहा है ये हाइपोटेन्यूज है, ये हमारा बेस है, ये हमारा परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये हमारा हाइपोटेन्यूज है एक तरीके से, ठीक, जो कि बी के बराबर है। बी इज फॉर लाइक बी वेक्टर एंड एच इज हाइपोटेन्यूज, पी इज परपेंडिकुलर, बी इज बेस, ठीक है। नाउ इन दिस ट्रायंगल, इन दिस ट्रायंगल टेल मी व्हाट इज कॉस थीटा इक्वल्स टू। कॉस थीटा का मतलब बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज जो कि बी के बराबर ही है, जो कि बी के बराबर ही है। तो व्हाट इज बेस इक्वल टू, व्हाट इज बेस इक्वल टू, इट इज बी कॉस थीटा। बेस कितना आया हमारे पास, बी कॉस थीटा आया, वंडरफुल। बेस कितना है हमारा, बी कॉस थीटा आया, वंडरफुल, ठीक है। परपेंडिकुलर देखते हैं अब, साइन थीटा कितना होता है, साइन थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज तो, हाइपोटेन्यूज तो, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे, हाइपोटेन्यूज, अब हाइपोटेन्यूज कितना है हमारे पास, बी के बराबर ही तो है, हाइपोटेन्यूज बी के बराबर ही तो है ना, ठीक है। तो ये पी कितना आया, ये आया बी साइन थीटा, आया हमारे पास बी साइन थीटा आया हमारे पास, ठीक है। तो बेसिकली हमने यहां पर घुमा फिरा के क्या कहा, हमने ये कहा कि देखो हमारे पास जो ये ट्रायंगल था ना, ये R था, ये A था, ये B था, ये था B cos थीटा, ये था B sin थीटा, ये एंगल था थीटा, ठीक है ना, B cos थीटा, B sin थीटा, ये एंगल था थीटा, ये A, ये R, ठीक है। तो टेल मी व्हाट इज R, टेल मी व्हाट इज R, इट इज अंडर रूट ऑफ A प्लस B cos थीटा, A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। तो आर कितना आएगा बेटा, पूरे में मैंने पाइथागोरस लगाया, पूरे में पाइथागोरस लगाया, आर कितना आएगा बेटा, अंडर रूट ऑफ ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर, ये हमारे पास आएगा। तो उसको सॉल्व करते हैं बेटा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। जब हम इसमें से बी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री की एक बेटा प्रॉपर्टी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। तो सॉल्व करने पर अल्टीमेटली आर की वैल्यू आ रही अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, ठीक है, ये आ रही है, ठीक है, अंडरस्टूड। अच्छा, अगर ये रिजल्टेंट हम कहते हैं ये एंगल डेल बना रहा है ए के साथ, ये एंगल डेल बना रहा है ए के साथ, तो कोई आपसे ये भी पूछ सकता है कि बताओ टेन डेल कितना है, टेन डेल कितना है, टेन डेल कितना है। तो आप बोलोगे बेटा पूरे बड़े वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन बेस, व्हाट इज परपेंडिकुलर, इट इज बी साइन थीटा, व्हाट इज बेस, ए प्लस बी कॉस थीटा। तो R की वैल्यू रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और tan डेल की वैल्यू b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा, b sin थीटा डिवाइड बाय a प्लस b cos थीटा। समझे बेटा, बहुत शानदार, बढ़ते हैं आगे। जो अभी तक हमने पढ़ा उसका निचोड़ देख लेते हैं। दो वेक्टर्स को जोड़ने के दो तरीके, ट्रायंगल लॉ, पैलोग्राम लॉ, ट्रायंगल लॉ, पैलोग्राम लॉ, ठीक है। ट्रायंगल लॉ हो या पैलोग्राम लॉ हो, दोनों ही केस में आर वेक्टर लिखा जाता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर से, लेकिन आर की वैल्यू ए प्लस बी नहीं होती, आर की वैल्यू डिपेंड्स अपॉन, आर की वैल्यू डिपेंड्स अपॉन
डिपेंड्स अपॉन थीटा, आर की वैल्यू डिपेंड्स अपॉन थीटा कितनी होती है, आर की वैल्यू, आर की वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा. नाउ इफ थीटा इक्वल टू जीरो, दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे, देन आर इज मैक्सिमम, देन आर इज मैक्सिमम कितना होगा, आर आर होगा ए प्लस बी, क्योंकि ये ए प्लस बी का स्क्वायर रूट ए प्लस बी बनेगा. इफ थीटा इक्वल्स टू 180 डिग्री तो कॉस हो जाएगा माइनस वन, देन आर इज मिनिमम, देन आर इज मिनिमम मतलब एक इस डायरेक्शन में एक उल्टे डायरेक्शन में, देन आर इज मिनिमम. अगर आर मिनिमम है तो क्या बोलेंगे, आर की वैल्यू कितनी आ रही वाली है, आर मैक्सिमम ये था, आर मिनिमम कितना होगा, ये होगा ए माइनस बी का मॉड, मॉड जो बड़ा है उसमें छोटा माइनस करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि रूट में है ना, तो रूट में कभी नेगेटिव तो बाहर निकलेगा नहीं, पॉजिटिव बाहर निकलेगा. बी बड़ा हो तो बी माइनस ए बोलेंगे, ए बड़ा हो तो ए माइनस बी बोलेंगे, तो मैंने मॉड लगा दिया. That means R is going to fluctuate between A minus B and A plus B. R is going to fluctuate between A minus B and A plus B. What if theta equals to 90? एक केस और ले रहे. If theta बराबर 90, तब क्या होगा? If theta बराबर 90, तब क्या होगा? तो देखो बेटा, अगर theta 90 के बराबर है, तब R की वैल्यू होगी, cos 90 होता है 0, तो वो होगी root of A square plus B square. रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज आर, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज आर. ठीक है बच्चा, समझ गए, क्लियर है बात, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज आर, ये हमारे पास आर की वैल्यू आ गई. एंड आर की वैल्यू इज गोइंग टू फ्लक्चुएट बिटवीन मॉड ऑफ ए माइनस बी टू ए प्लस बी. ए प्लस बी में मॉड की जरूरत नहीं, जैसे कि मैंने कहा कि तीन और चार को जोड़ने पर एक से लेकर सात तक कुछ भी आता है, ए प्लस बी ए माइनस बी से निकाल सकते हो आप, इसके बीच में ही कुछ रहेगा. कितना रहेगा, एंगल थीटा पे डिपेंड करेगा, कितना रहेगा, एंगल थीटा पे डिपेंड करेगा. वैल्यू कितनी आएगी, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा आएगी, थीटा पे डिपेंड कर जाएगा. समझ गए बात, क्लियर है, कोई परेशानी नहीं होगी आई थिंक. अच्छा भाई, अब यहां पे कुछ और स्पेशल केसेस की बात करें अगर हम, तो एक स्पेशल केस बना सकते हैं, अगर ए और बी बराबर होगा तब क्या केसेस बनते हैं. देखो बेटा, कि इफ ए इक्वल्स टू बी तो आर की वैल्यू कितनी, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा, टू ए स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर कॉस थीटा, 2a स्क्वायर कॉमन लिया 1 प्लस cos थीटा. नाउ नाउ वी हैव अ फॉर्मूला, cos 2 थीटा इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1. ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है बेटा, cos 2 थीटा होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, या फिर cos थीटा 2 cos स्क्वायर थीटा by 2 माइनस 1. इस 1 को यहां लेकर आएंगे तो 1 cos थीटा होगा 2 cos स्क्वायर थीटा by 2. इसको पुट करेंगे यहां पर तो हमें r मिलेगा अंडर रूट ऑफ 2 a स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा by 2, 2 a स्क्वायर 2 cos स्क्वायर थीटा by 2, 2 और 2 का 2, a और a का a, cos का cos, ये आएगा r का वैल्यू. r के लिए एक छोटा फॉर्मूला आ गया, कब आया, जब a और b क्या होंगे, बराबर होंगे. a और b बराबर है तो छोटा फॉर्मूला लिखेंगे, r बराबर 2a cos थीटा by 2, फॉर्मूला डायरेक्टली होना चाहिए याद, जब ये चीजें होंगी याद तो कैलकुलेशन बचेगी, समय बचेगा, फटाफट आंसर आएंगे, r की वैल्यू 2a cos थीटा by 2, 2a cos थीटा by 2. समझ गए बेटा बात, क्लियर है, ऑल क्लियर, ठीक बेटा. तो आगे बढ़ते हैं, इसमें और केसेस देखते हैं, कि इफ ए बराबर बी है एंड एंड थीटा बराबर जीरो है, आर की वैल्यू होगी टू ए. इफ ए बराबर बी है एंड थीटा की वैल्यू 180 डाल दी मैंने उल्टा, आर की वैल्यू आएगी कितनी, जीरो, क्यों, cos 180 by 2 मतलब 90, cos 90 होता है 0, उल्टे हैं तो कट जाएंगे, उल्टे हैं तो कट जाएंगे. इफ इफ a बराबर b है, थीटा की वैल्यू मैंने डाल दी 90, तो cos 90 by 2 मतलब 45, cos 45 1 by root 2, तो ये कितना आएगा बेटा, r आएगा root 2 a. पुट करना है वैल्यू को यहां पर, थीटा की वैल्यू पुट करनी है, सॉल्व कर रहा हूं, कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, तो
ठीक है ना। तो ये आया रूट टू ए, डायरेक्ट याद करना है ए और बी बराबर एंगल 90 रूट टू ए, ए और बी बराबर एंगल 90 रूट टू ए, ठीक है। और देखो इफ ए और बी बराबर है एंड थीटा की वैल्यू 120 डिग्री है तो 120 बाय 2 कितना होता है बेटा 60, cos 60 कितना होता है बेटा 1 बाय 2 और 2 कटेगा बेटा कितना आएगा r की वैल्यू आएगी a, a ही आ गया, मतलब a और a को जोड़ा a ही आ गया, a और a को जोड़ा a ही आ गया, मतलब 5 और 5 को जोड़ने पर 5 ही आ रहा, 5 और 5 को जोड़ने पर 5 ही आ रहा, कमाल की बात है, 5 और 5 को जोड़ने पर 5 ही आ रहा है, कब, जब उनके बीच में एंगल कितना है 120, जब एंगल कितना है 120 कितना आएगा सेम आएगा, ठीक है। एक लास्ट केस और यहां पे याद रखेंगे, क्या केस है बेटा, इफ ए और बी बराबर हैं और थीटा कितना है 60 डिग्री, तो अगर मैं cos 60 पुट करूं यहां पर तो 60 बाय 2 कितना हुआ 30 हुआ, cos 30 रूट 3 बाय 2 हुआ, 2 से 2 कटेगा, r की वैल्यू आती है रूट 3 ए। बेटा देखना नहीं है करना है, सुनना नहीं है करना है, वैल्यू खुद पुट करो यहां पे। कुछ बच्चे कमेंट में लिखेंगे सर कैलकुलेशन थोड़ा आप ही कर दो ना, कैलकुलेशन नहीं समझ में यार, अरे कॉन्सेप्ट समझो, कैलकुलेशन खुद करो, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी डालनी है हमें 60 डालनी है, 60 बटा 2 कितना आएगा 30 आएगा, cos 60 की वैल्यू टेबल ढूंढो याद करो, नहीं तो cos 60 रूट 3 बाय 2, 2 से 2 कटेगा रूट 3 है हमारा आंसर आएगा, करके देखो ना एक बार कॉपी पेन लेकर, अपने आप आंसर आएगा बढ़िया से, ठीक है बच्चा समझ में आ गया आपको, ये सारे केसेस याद होने चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए, टिप्स होना चाहिए, टिप्स होना चाहिए, टिप्स होना चाहिए, टिप्स पे होना चाहिए बेटा ये सारे केसेस, के सारा एकदम तुरंत 60 डिग्री का एंगल रूट 3 ए, 120 डिग्री का एंगल ए, 90 डिग्री का एंगल रूट 2 ए, 0 डिग्री का एंगल 2 ए, 180 डिग्री का एंगल 0, मुझे याद है ना, आपको भी याद होना चाहिए, ठीक है ना, आपको भी याद होना चाहिए। ये था एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ये था एडिशन ऑफ टू वेक्टर। अब बात करते हैं फटाफट सब्ट्रैक्शन की और फिर बात करूंगा रिजोल्यूशन की और फिर हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन पूरा हो जाए, फिर हमारा एडिशन सब्ट्रैक्शन पूरा हो जाएगा, जितनी चीजें आपको एडिशन सब्ट्रैक्शन में चाहिए थी वो पूरा हो जाएगा, मुझे फिजिक्स में दिक्कत नहीं आएगी। हाँ कुछ कुछ जगह पर आपको कुछ कुछ बातें और सिखा सकते हैं, जैसे लैमीज थ्योरम सिखा देंगे, जैसे कि आपको साइन रूल्स जिसे कहते हैं वो सिखा देंगे, ठीक है ना, तो बेटा कोई दिक्कत नहीं है, आप वो भी सीख सकते हो, लेकिन जरूरत नहीं पड़ती फिजिक्स में एज सच, बिना उसके भी काम चलता है मेरा। लैमीज थ्योरम 3 वेक्टर्स को ऐड करने के लिए लगती है, अभी 2 को ऐड करना सिखाया है, रिजोल्यूशन के अंदर जितने मर्जी वेक्टर्स हो आप ऐड कर सकते हो, 3, 4, 5, 50 लग सकते हो, लैमीज थ्योरम तभी लगेगी जब इक्विलिब्रियम होगा, तो हमें जरूरत ही नहीं है उसकी, ठीक है। हम जनरल मेथड सीखेंगे, हर जगह लगेगा, हर केस के लिए अलग अलग मेथड नहीं सीखेंगे, जनरल मेथड सीखेंगे हर जगह लगेगा वो, ठीक है ना, वो मेथड सीखेंगे। अभी ये बताता हूँ आपको यहाँ पर कुछ और चीजें, देखते जाओ बेटा, देखते जाओ बढ़िया से। सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स, देखो बेटा ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मतलब होता है ए वेक्टर प्लस माइनस ऑफ बी वेक्टर। क्या मतलब है इसका? सब्ट्रैक्शन कुछ और नहीं एडिशन ही है, सब्ट्रैक्शन कुछ और नहीं एडिशन ही है, बट कैसा एडिशन है, उल्टा कर ऐड करने का तरीका है। कहने का मतलब यह है कि अगर ये बी वेक्टर है ना तो इसको उल्टा कर दो तो ये माइनस बी वेक्टर बन जाता है, तो माइनस बी वेक्टर को बोलते हैं नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर, ठीक है, नेगेटिव वेक्टर भी बोल सकते हैं, मैग्नीट्यूड सेम डायरेक्शन उल्टी, तो उल्टा कर दिया, तो हम माइनस कर रहे हैं, मतलब इसका मतलब क्या है, हम बी के उल्टे को ऐड कर रहे हैं, हम बी के उल्टे को ऐड कर रहे हैं, यही तो मतलब हुआ ना बस, ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, देखो बेटा अगर ये ए है और ये बी है, या ऐसे बना लो ये बी है, पैरेलोग्राम बना लो, ये ए है और ये बी है और इनके बीच में एंगल है थीटा, इनको जोड़ना है तो सिंपली जोड़ दोगे, अगर घटाना है तो क्या करना पड़ेगा, तो घटाने के लिए आपको क्या चाहिए, घटाने के लिए आपको माइनस बी चाहिए, वो नीचे की तरफ होगा ना, माइनस बी तो ऐसा होगा, माइनस बी तो ऐसा होगा,
ये b है तो ये माइनस b है, यस और नो? ये b है तो ये माइनस b है, यस और नो? a और b के बीच का एंगल थीटा, a और माइनस b के बीच का एंगल कितना होगा बेटा बताओ? 180 माइनस थीटा, बस ये आपको जानना है। जब a और b को ऐड करोगे एंगल होगा थीटा, जब a और माइनस b को ऐड करोगे एंगल होगा 180 माइनस थीटा। तो बताओ बेटा r कितना होगा, बताओ बेटा r कितना होगा? ये होगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। कितना एंगल लूंगा, कितना एंगल लूंगा? 180 माइनस थीटा एंगल लूंगा, क्योंकि a और माइनस बी के बीच का एंगल कितना? 180 माइनस थीटा। थीटा एंगल तो a और b के बीच में है, थीटा एंगल तो a और b के बीच में है। a और b को ऐड करना है तो एंगल थीटा ले लेंगे, a और माइनस बी को ऐड करना है तो एंगल 180 माइनस थीटा लेंगे, बस। और कुछ चेंज नहीं करना, कहीं कोई चेंज नहीं करना, ये आपका आंसर आएगा बहुत शानदार तरीके से। कितना होगा ये? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है ना? 180 cos 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में cos नेगेटिव होता है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा इज आर। बेटा अगर अगर वास्तव में इसको एक बैच की तरीके से लेकर आप चलना चाहते हो तो सारे लेक्चर प्रॉपरली देखना, क्योंकि हर चीजें आपस में लिंक्ड है। मैं यहां पर वेक्टर क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि मुझे आगे जरूरत है। मैं यहां पर वेक्टर क्यों पढ़ा रहा हूं? क्योंकि आगे जरूरत है, ठीक है ना? अभी हम रिलेटिव मोशन में लेकर जाएंगे आपको, सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर वहां पे एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। सारा खेल सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर का वहां पे रहेगा बेटा, ठीक है ना? तो अगर ये लेक्चर मिस करोगे तो अगले लेक्चर में दिक्कत आएगी, ठीक है? तो ये लेक्चर देखो, अगला लेक्चर करने से पहले ये लेक्चर देखो। मैं वहां पर बोल दूंगा, मैं वहां पर बता दूंगा और वहां पर आपको समझा दूंगा कि लेक्चर भी आपको देखना जरूरी है। बट बैच की तरह लेके चलो इसको बेटा, फ्री ऑफ कॉस्ट बैच, सब कुछ मिलेगा, ए टू जेड मिलेगा। कमेंट में बहुत सारे बच्चे लिख रहे हैं, ठीक है, कि सर सब कुछ आप पढ़ा रहे हो, ठीक है ना? तो सब कुछ दे रहा हूं यहां पर, फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूं आपको, ठीक है? तो फ्री की वर्थ नहीं होती, फ्री की वर्थ नहीं होती तो उसको वर्थलेस मत कर देना, बहुत एफर्ट लगता है बेटा। तो पूरा देखो, अच्छे से देखो, सारा देखो अच्छे से, ठीक है? तब समझ में आएगा बढ़िया से, तब समझ में आएगा बढ़िया से, ठीक है बच्चा? तो बढ़ते हैं आगे। ये आपके पास आर आ गया, रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी कॉस थीटा। ये आर की वैल्यू आपको मिल चुकी है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर के लिए। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है? उल्टा कर कर ऐड करना, उल्टा कर कर ऐड करना। जब आप ऐसा करते हो तो एंगल थीटा से बदलकर हो जाता है 180 माइनस थीटा। आंसर आता है आर का रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा, ठीक है? हैविंग सेड दैट, बढ़ते हैं आगे। अब एक और बात करते हैं यहां पर रिजोल्यूशन ऑफ फैक्टर की। बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है? ट्रायंगल लॉ, पैरेललोग्राम लॉ दो वेक्टर के लिए है, दो वेक्टर के लिए है खाली, ठीक है? रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से अगर आप जोड़ोगे या घटाओगे, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर से अगर आप जोड़ोगे या घटाओगे तो जितने मर्जी वेक्टर क्यों ना हो, जोड़ सकते हो, घटा सकते हो चुटकी बजाकर, ठीक है ना? अब देखो हमने यहां पर क्या कहा। हमने कहा एक वेक्टर है, एक वेक्टर है, और वेक्टर एलजेब्रा हमें ताकत देता है एक वेक्टर को एक प्लेन में दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ने की, या एक 3D में तीन परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ने की। अगर आप देखोगे तो आपके पास क्या आएगा? मोशन इन स्ट्रेट लाइन आएगा, फिर मोशन इन प्लेन आएगा। एनसीईआरटी में दो चैप्टर दे रखे हैं। मोशन इन 3D ऐसा कुछ आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ है, तो मैं फिलहाल 3D के अंदर जाकर ज्यादा बातें नहीं करूंगा। 12th क्लास मैथमेटिक्स, जो इंजीनियरिंग के बच्चे हैं, 12th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर 3D नाम का एक चैप्टर आएगा, वहां पर आपको डिटेल में समझाएंगे 3D के अंदर क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइंस क्या होते हैं, वगैरह वगैरह बातें। अभी फिलहाल मैं वहां पर नहीं जाने वाला हूं, ठीक है? सिंपल हम टिकेंगे एक प्लेन के ऊपर। तो एक प्लेन के अंदर, इन वन प्लेन या इन अ प्लेन, इन अ प्लेन अ वेक्टर can be broken into two perpendicular directions or two perpendicular
और टू म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डायरेक्शंस, ठीक है ना। क्यों तोड़ते हैं दो अलग को, क्योंकि हम एक इस डायरेक्शन में स्टडी कर लेंगे, एक इस डायरेक्शन स्टडी कर लेंगे, दोनों क्या है इंडिपेंडेंट डायरेक्शंस हैं, तो उन दोनों डायरेक्शन में आप बखूबी उनको पढ़ो, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं आएगी, ठीक है ना। कैसे ब्रेक करेंगे, बहुत सिंपल तरीका रहेगा, कोई भी वेक्टर आपने ले लिया ए वेक्टर, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन अब आपको लेनी होंगी, तो एक डायरेक्शन मान लिया हमने ये ले ली, दूसरी डायरेक्शन हमने ये ले ली, इसको हमने x कह दिया, इसको हमने y कह दिया, एक को x कह दिया एक को y कह दिया, मान लिया ये एंगल बना रहा यहां से थीटा, फिर हमने क्या करा, हमने कहा भैया इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, एक x के अलोंग बनेगा एक y के अलोंग बनेगा, x के अलोंग जो कंपोनेंट है वो इस वेक्टर का इंपैक्ट है, वो इस वेक्टर का इफेक्ट है, x के अंदर y के अलोंग जो कंपोनेंट है वो इस वेक्टर का इंपैक्ट है या इफेक्ट है y के अंदर, दोनों को जोड़ेंगे तो a आएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो a आएगा, कैसे जोड़ेंगे वेक्टोरियली जोड़ेंगे, वेक्टोरियली जोड़ेंगे, ठीक है। पर पहले तोड़ ले, जोड़ना सीख लिया है पहले, अब तोड़ ले, तोड़ ले तो तोड़ेंगे कैसे देखते हैं हम इसको। देखो बच्चा, हमने कहा ये ट्रायंगल बन गया है, राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है, दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन ले रहे थे, तो हमने कहा कि इसको बोल देते हैं ए एक्स, इसको बोल देते हैं ए वाई, इसको बोल देते हैं ए एक्स, इसको बोल देते हैं ए वाई, ए एक्स कितना ए वाई कितना, ए एक्स क्या कहलाता है, ए एक्स कहलाता है कंपोनेंट, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स, ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स, कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई, आई बात समझ में, ये कहलाएगा आपके पास कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग एक्स एंड कंपोनेंट ऑफ ए अलोंग वाई, ये कहलाएगा आपके पास, समझ के बता आप लोग, कोई परेशानी बच्चा नहीं, तो बड़े आगे यहां पे बढ़िया से, ठीक है। ए एक्स कितना होगा, तो हमने कहा ये ट्रायंगल है, ए एक्स हमारा बेस है, ए वाई परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो बताओ व्हाट इज कॉस थीटा, बेस विच इज ए एक्स, हाइपोटेन्यूज विच इज ए, ये तो ए ही है ना, ये तो पूरा ए ही है ना, ये सुनो, ठीक है ना, तो ए एक्स बाय व्हाट इज ए एक्स इक्वल टू, ए एक्स इक्वल टू ए कॉस थीटा, थीटा के साथ वाला, देखो दो है यहां पर, एक थीटा के साथ वाला, एक थीटा के सामने वाला, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, याद रखना इस बात को, रिजोल्व कैसे करते हैं, मैं बार बार इसका इस्तेमाल करूंगा, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा कंपोनेंट, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा कंपोनेंट, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा कंपोनेंट रहेगा, याद रखना बेटा इस चीज को, ठीक है। ए वाई की बात कर लेते हैं, ए वाई कितना होता, बोल रहे बेटा ए वाई बाय ए, ए वाई बाय ए, ए वाई बाय ए क्या होगा, ये होगा साइन थीटा होगा, ए वाई बाय ए क्या होगा, साइन थीटा होगा, सो टेल मी व्हाट इज ए वाई, ए वाई क्या होगा, ए वाई होगा बेटा ए साइन थीटा, ए एक्स होगा ए कॉस थीटा, ए वाई होगा ए साइन थीटा, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला साइन थीटा, थीटा के साथ वाला कॉस थीटा, थीटा के सामने वाला साइन थीटा, कंपोनेंट टूट गया। ए वेक्टर को कैसे लिखेंगे बेटा, हम लोग सकते हैं ए वेक्टर इज नथिंग बट ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप, या फिर लिख सकते हो आप ए कॉस थीटा आई कैप ए साइन थीटा जे कैप, कुछ भी लिख सकते हो बेटा, इससे आपको फर्क नहीं पड़ता। इसे कहते हैं दो वेक्टर को रिजोल्व करना, दो वेक्टर्स को तोड़ देना, ठीक, अच्छे से देख लो, नोट कर लो, और फिर हम इसके ऊपर एक प्रश्न करके यहां पर देखने वाले हैं, ठीक है, कि कैसे हम इसको जोड़कर रिजल्टेंट निकाल लेते हैं, ठीक है। तीन वेक्टर लेकर मैं आपको जोड़कर तोड़कर निकाल कर देता हूं, मान लिया हमारे पास कुछ इस तरीके से तीन हमारे पास ये फोर्सेस हैं, ठीक है ना, हमने कहा ये फोर्स लग रहा है 30 न्यूटन और ये एंगल हमने ले लिया 37 डिग्री, ये लग रहा है हमारे पास 20 न्यूटन, ये लग रहा है हमारे पास 40 न्यूटन, हम जानना चाहते हैं व्हाट इज द नेट फोर्स, व्हाट इज द नेट फोर्स, नेट फोर्स कितना लग रहा है, फाइंड एफ नेट, एफ नेट निकाल दो, ठीक है। कुछ लोग यहां पर लेमिस थ्योरम लगा सकता है, लेकिन हमें जरूरत नहीं है, बिना लेमिस थ्योरम से हो सकता है क्वेश्चन, कैसे बनेगा देख लो बच्चा। सबसे पहले सारे फोर्सेस को दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ेंगे, अब देखो यहां पर मुझे दो डायरेक्शन दिख रही है जहां पर ऑलरेडी फोर्सेस हैं, ऑलरेडी फोर्सेस हैं,
एक डायरेक्शन तो मुझे ये दिख रही और दूसरी डायरेक्शन मुझको ये दिख रही, तो ये तो ऑलरेडी यहां पर है, ये भी ऑलरेडी इस लाइन के अलोंग है, ये तिरछा है इसको तोड़ना पड़ेगा, ये तिरछा है इसको तोड़ना पड़ेगा। 37 के साथ वाला कंपोनेंट कौन सा होगा बच्चा? कॉस 37, ठीक है ना। और 37 से दूसरे वाला कंपोनेंट, सामने वाला कंपोनेंट, दूसरे वाला कंपोनेंट कितना होगा? साइन 37। थीटा के साथ वाला कोहड़ा, दूसरे वाला साइन, साथ वाला कोहड़ा, दूसरे वाला साइन थीटा, साथ वाला कॉस 37, दूसरे वाला साइन 37। अब वैल्यू पता होनी चाहिए बेटा, तो ध्यान रखना आपने कि कॉस या साइन 37 होता है 3/5, कॉस 37 होता है 4/5, साइन 37 होता है 3/5, कॉस 37 होता है 4/5, याद रखनी है ये बात, ठीक है। जैसे आपने 30 याद किया, 45 याद किया, 60, फिजिक्स में 37 बहुत पॉपुलर है बिकॉज यहाँ पे रूट वगैरह नहीं आता है, दोनों के अंदर ही साइन के लिए भी कॉस के लिए भी उसमें 3/5 4/5 आता है, इसलिए ये बहुत ही पॉपुलर है फिजिक्स के अंदर, याद रखना है इसको। अब आओ वापस, अब ये हटा दो, ये हटा दो, आपने इसको तोड़ दिया ऐसे ऐसे तोड़ दिया, ठीक है। अब वैल्यू निकाल लो, 30 कॉस 37 4/5 कितना आया? 24 आया। यहां कितना आएगा? 30 साइन 37, साइन 37 कितना होता है बेटा? 3/5 होता है। कॉस 37 4/5, साइन 37 3/5, तो 5 × 6 = 18 आया। अब देखो इस पॉइंट को ध्यान से देखो, लेफ्ट में लगा 20, राइट में लगा 24, लेफ्ट में लगा 20, राइट में लगा 24, तो कितना आएगा बच्चा बताओ मुझे? राइट में कितना आएगा? 24 − 20 = 4, 24 − 20 = 4, सेम डायरेक्शन में होता जुड़ता, अपोजिट में घट गया, ठीक है। अब देखो, ऊपर लग रहा 18, नीचे लग रहा 40, ऊपर लग रहा 18, नीचे लग रहा 40, तो रिजल्टेंट नीचे की तरफ आएगा कितना आएगा? 40 − 18 आएगा, कितना आएगा? 40 − 18 मतलब 22 आएगा। यहां 4 आया, यहां 22 आया, वहां 4 आया, यहां 22 आया। अब ये दोनों किस पर है बेटा? ये दोनों किस पर हैं? ये दोनों है आपके 90 डिग्री पर, दो वेक्टर 90 डिग्री पर, 3 से वेक्टर 2 में आ गए, 4 होते वो भी कट के टूट आगे 2 में आते, ठीक है ना। रिजल्टेंट कितना आएगा? रिजल्टेंट कितना आएगा? तो 90 डिग्री के लिए आपके पास फॉर्मूला क्या था बेटा? याद करो, मैंने कहा था टिप्स पे होना चाहिए आपको, मैं दिखाता हूं आपको फिर भी एक बारी, अगर याद नहीं किया अभी तक आपने तो 90 के लिए आता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 90 के लिए आता है रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो आते हैं वापस, ठीक है, तो यहां पर हम आए, ये आर कितना होगा? ये आर होगा अंडर रूट 22 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यहां से 2 कॉमन निकाल लेंगे हम, तो 2 कॉमन निकलेगा तो 2 आ गया यहां पर, अंडर रूट 11 का स्क्वायर 121 होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये हुआ 125, तो 2√125 ये आया। अब आप चाहें तो इसमें से 5 मतलब 25 बाहर निकालेंगे तो वो 5 बाहर निकलेगा, 5 अंदर रह जाएगा, तो आप चाहें तो इसको लिख सकते हैं 10√5, ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से सॉल्व करके हमारा आंसर आ गया। आप ये बता सकते हैं कितने एंगल पर आएगा वो भी निकाल सकते हैं बेटा, एंगल में भी निकाल सकते हैं इसको, आई कैप जे कैप की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप कह सकते हैं 4 i cap − 22 j cap, 4 i cap − 22 j cap, ये है रिजोल्यूशन की ताकत, सारे वेक्टर को जोड़कर रिजल्ट करके इसने आपको दे दिया कि इतना रिजल्टेंट होगा, इतना रिजल्टेंट होगा। इज दिस क्लियर बेटा? ठीक है, चलिए एक ये लास्ट हम क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम आपकी आज की क्लास को रैप अप कर लेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन क्या रहा है? द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स टू फोर्सेस इज 3p and 2p, नहीं, द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 3p and 2p इज r, ठीक है। तो 3p और 2p को जोड़ा तो कितना आया? r आया। तो हम क्या लिखेंगे बेटा यहां पे? हम लिखेंगे r इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3p का स्क्वायर प्लस 2p का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 3p 2p cos थीटा, ठीक। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है कि अगर पहला डबल कर दिया गया तो रिजल्टेंट भी डबल हो गया। पहला अगर डबल कर दिया, पहला कौन है? 3p है, तो 3p को अगर 6p कर दिया एंगल नहीं बदला है,
बस डबल किया है उसको, अगर पहले वाले को डबल कर दिया, 6p कर दिया, रिजल्टेंट भी डबल हो गया, 2r हो गया, फाइंड द एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस, मतलब आपको थीटा निकालना है यहां से, थीटा निकालना है यहां से, बस और कुछ करना नहीं है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया हमारे लिए। तो देखो 9 + 4 = 13, 3 to the 6 to the 12, 36 + 4 = 40, 6 to the 12 to the 24. Now let us take the division of the two. It will be RR कटेगा, 1/2 आएगा, P square कट जाएगा ऊपर से, 13 + 12 cos theta, 40 + 24 cos theta, इस पूरे का रूट रहेगा, स्क्वायर करेंगे दोनों तरफ और क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, यहां 4 आएगा और उसको हाफ लेंगे, तो 40 + 24 cos theta डिवाइडेड बाय 4 इज 13 + 12 cos theta। अब 4 से काटेंगे तो ये 10 आएगा, 4 से काटेंगे तो ये 6 आएगा, 10 को यहां लेके जाएंगे, इनफैक्ट 13 को वहां पे ले जाएंगे और 6 cos theta को यहां ले आएंगे, जब 13 वहां पे जाएगा तो वो -3 बचेगा, वो यहां पर आएगा तो ये 6 cos theta बचेगा, तो cos theta की वैल्यू मुझे यहां पर -1/2 आती हुई दिख रही है, तो थीटा की वैल्यू 120 डिग्री आपको मिल जाएगी, थीटा की वैल्यू 120 डिग्री आपको मिल जाएगी बेटा, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपना आंसर निकाल सकते हैं, इस तरीके से आपको आपका आंसर मिल जाएगा बेटा, ठीक है, समझ गए, क्लियर है, ठीक है। हालांकि वेक्टर के ऊपर ऐसे स्टैंड में बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चंस आते नहीं हैं, आपको वेक्टर की जरूरत दूसरे चैप्टर्स में पड़ती रहती है, अभी मैंने वेक्टर को ऐड करना सब्ट्रैक्ट करना सिखाया है, अगली क्लास में जब रिलेटिव मोशन की बात करूंगा तो इसका एप्लीकेशन आपको सिखाऊंगा, ठीक है, कि कैसे वहां पर एप्लीकेशन होता है एडिशन सब्ट्रैक्शन का, और जब आपको डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट सीखना होगा तब एक क्लास हम इसके ऊपर और ले लेंगे, तो डॉट और क्रॉस के बारे में हम आपको बता देंगे जब इसकी जरूरत आएगी, ठीक है। फिलहाल के लिए आज के लिए इतना ही हमारे लिए काफी है बेटा, पढ़ते रहिए भैया आराम से। तो एक नया कोट आपके लेकर आए हम कि इफ यू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू हैव ऑलवेज डन यू विल कीप ऑन गेटिंग व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉट। क्या मतलब है बेटा कि अगर अभी तक आप पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहे थे, अगर आप पढ़ाई ढंग से नहीं कर रहे थे, ठीक है ना, और ढंग से नहीं पढ़ रहे थे, रेगुलरली नहीं पढ़ रहे थे, मेहनत नहीं कर रहे थे, लेजर में जी रहे थे, आराम से जिंदगी कट रही थी, मजे में जिंदगी कट रही थी, अगर जिंदगी ऐसी ही कटती रही तो जो आज तक मिलता आया है वो ही मिलता रहेगा, ठीक है। फिर आप नहीं कह सकते हमें IIT चाहिए, हमें इंजीनियर बनना है, हमें नीट चाहिए, हमें मेडिकल में जाना है, हमें एम्स में जाना है, हमें डॉक्टर बनना है, अगर ये सपना मन में लिए हो तो कुछ अलग करना पड़ेगा, हटके करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो इफ यू कीप ऑन डूइंग व्हाट यू हैव ऑलवेज डन यू विल कीप ऑन गेटिंग व्हाट यू हैव ऑलवेज गॉट। तो पढ़ते रहिए, टाटा, सी यू, बाय बाय।